हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां में टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 का हर एक क्वेश्चन हमें डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस ये कंसेप्ट यूज करके ही सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों भी वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, जिसे हम वहाँ पे पैरामीटर कहते हैं, और एक्स का डेरिवेटिव और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर हमें कंसिडर करना है, और फिर उससे हमें डी वाई बाई एक्स फाइंड करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। लुक हियर, एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे जो टोटल 8 सब क्वेश्चन है, हर एक सब क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, जैसे यहाँ x इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, y इक्वल्स टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें dy वाई बाई एक्स फाइंड नहीं करना है, हमें dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन dy वाई बाई एक्स हमें फाइंड करना ही है, लेकिन हमें dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, लुक हियर, यह हमारे पास है, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। फिर उसी प्रकार से y इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब यहां पे अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों भी इक्वेशन में दोनों साइड का हम यहां पे स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो यहां पे देखिए हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू इन साइड द ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, उसी प्रकार से y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू इन साइड द ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, सॉरी sec थीटा प्लस tan थीटा, सिंपली sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकल जाएगा। जैसे यहां से स्क्वायर रूट निकल गया, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट नहीं रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, उसी प्रकार से यहां पे भी स्क्वायर रूट नहीं रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर x स्क्वायर, या चाहे तो मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा, चलेगा। उसी प्रकार से y स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा। समझ रहे ना आप, हमने क्या किया, देखिए इस a स्क्वायर को ट्रांसफर किया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन दोनों का, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का और दोनों इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड का हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, हम दोनों साइड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों के LHS का, दोनों इक्वेशन में, और दोनों के RHS का, तो यहाँ पे रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इट विल बी x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर अपॉन a रेस टू 4, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये a माइनस b इंटू a प्लस b, इस प्रकार का हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस प्रकार से ये मिलेगा हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान दीजिए, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर अपॉन a रेस टू 4 इक्वल टू हमारे पास रहेगा सिंपली 1। चाहे तो आप यहां पे जस्टिफाई कर सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, इस प्रकार से, तो देखिए अब हमें, ध्यान दीजिए, अब हमें x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए रेस टू फोर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेस टू फोर। अब यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरेवेटिव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का डेरेवेटिव सिंपली टू एक्स मिलेगा इक्वल्स टू ए रेस टू फोर का डेरेवेटिव हमें जीरो मिलेगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स, उसी प्रकार से टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रहेगा। नाउ देयरफॉर टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई, ये रहेगा। अब ये टू टू कैंसल, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसल, तो हमारे पास सिंपली बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये हमें प्रूव करना था, ध्यान दीजिए, हेंस प्रूव्ड, ओके। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको प्रूव किया है। देखिए फ्रेंड्स, एक मेथड होगा, दूसरा मेथड जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे थीटा इज अ पैरामीटर, तो हम डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड कर सकते हैं, फिर डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कंसिडर करेंगे बिकॉज थीटा इज अ पैरामीटर, और फिर हम प्रूव कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इस कंसेप्ट को यूज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हमने जो मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इस कंसेप्ट को हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ओके। लेकिन आप डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस मेथड को या फिर इस कंसेप्ट को यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल वे में इसका सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में, x इक्वल्स टू ई रेस टू साइन थ्री टी, y इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस थ्री टी दिया है, और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें लॉग यूज किया गया है, और जो हमें पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिए, यहाँ पे लॉग नहीं है, तो इसका मतलब इसका लॉग लेना जरूरी है हमारे लिए, तभी हम डी वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई प्रूव कर सकते हैं। ये लॉजिक है यहाँ का, ठीक है। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, ई रेस टू साइन थ्री टी, सपोज इसे कहेंगे हम फर्स्ट, उसी प्रकार से वाई इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस ऑफ थ्री टी, और इसे कहेंगे हम सेकंड, ओके। नाउ टेकिंग दोनों साइड का अब हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों भी इसमें, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, लॉग x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए लॉग ऑफ, ओके, लॉग ऑफ e रेस टू साइन ऑफ थ्री टी, इस प्रकार से, फिर यहाँ पे लॉग y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ e रेस टू कॉस ऑफ थ्री टी, ठीक है। तो देखिए लॉग x इक्वल्स टू इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थ्री टी इंटू लॉग ई, फिर उसी प्रकार से लॉग वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ थ्री टी इंटू लॉग ई, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम लॉग ऑफ ई का, हमें पता है लॉग ऑफ ई का वैल्यू वन है, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ थ्री टी, उसी प्रकार से ध्यान दीजिए log y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3t, चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं log ऑफ e का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ, दोनों को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, वाई, बिकॉज t इज अ पैरामीटर, यहाँ पे t पैरामीटर है, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, साथ में x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt रहेगा।
साइन ऑफ थ्री टी का डेरेवेटिव, ध्यान दीजिए साइन ऑफ थ्री टी का डेरेवेटिव, आउटर फंक्शन का डेरेवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरेवेटिव, आउटर फंक्शन का डेरेवेटिव कॉस ऑफ थ्री टी, इनर फंक्शन थ्री टी उसका डेरेवेटिव थ्री, तो ये मिलेगा हमें थ्री कॉस ऑफ थ्री टी। उसी प्रकार से लॉग वाई का डेरेवेटिव वन अपॉन वाई, फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ थ्री टी का डेरेवेटिव माइनस थ्री साइन ऑफ थ्री टी। आर यू गेटिंग दिस? लुक हियर, इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहने की बजाय ओके हम इसे, ये जो है इसे फर्स्ट कहेंगे ओके और ये जो हमें दिया है इसे, ये जो हमने यहां पे लाया है इसे हम सेकंड कहेंगे। ध्यान दीजिए इसे हमने क्या कहा, फर्स्ट ओके। इस इक्वेशन को log ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ थ्री टी को हम कहेंगे फर्स्ट, और log y इक्वल्स टू cos ऑफ 3t को हम कहेंगे सेकंड। इसका फायदा क्या रहेगा, देखिए हमारे पास लुक हियर, अब ये जो cos ऑफ 3t है इसका वैल्यू log y लिख सकते हैं, और ये जो sin ऑफ 3t है इसका वैल्यू हम log x लिख सकते हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए यहां पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन x dx by dt इक्वल्स टू माइनस थ्री, सॉरी ये प्लस थ्री है, यहां पे प्लस थ्री ओके। फिर ये cos of 3t का डेरिवेटिव क्या है, log y, तो इसे लिख सकते हैं हम 3 log y यूजिंग, ध्यान दीजिए यूजिंग फर्स्ट या सेकंड, देखिए cos of 3t का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो सेकंड यूज किया यूजिंग सेकंड। उसी प्रकार से ये हमने यहां पे यूज किया है सेकंड, इसी प्रकार से हम फर्स्ट यूज करेंगे यहां पे इसके लिए। नाउ वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ये माइनस थ्री एज इट इज, और साइन ऑफ थ्री टी का डेरेवेटिव, सॉरी साइन ऑफ थ्री टी का वैल्यू, साइन ऑफ थ्री टी का वैल्यू है लॉग एक्स ओके, ये है लॉग एक्स। नाउ यूजिंग फर्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज किया है और यहाँ हमने ऊपर हमने सेकेंड यूज किया था। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर x ट्रांसफर करेंगे तो 3x log y, इट इज़ द वैल्यू ऑफ dx by dt। फिर उसी प्रकार से dy by dt का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस 3y log x ओके, माइनस 3y log x। हमने क्या किया, देखिए इस x को ट्रांसफर किया 3x log y हो जाएगा, इस y को ट्रांसफर किया माइनस 3y log x मिलेगा। नाउ t इज अ पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t is a parameter, therefore dy by dx equals to हमारे पास क्या रहेगा, dy by dt upon dx by dt, very simple। अब यहाँ पे अगर हम value substitute करते हैं dy by dx equals to, what is dy by dt, it is minus 3y log x ठीक है, upon dx by dt का value 3x log y, हमारे सामने ही वैल्यू है 3x log y, फिर ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब dy by dx equals to रहेगा माइनस y log x अपॉन x log y, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस, ध्यान दीजिए प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में हमें x इक्वल्स टू t प्लस वन अपॉन t माइनस वन दिया है, y इक्वल्स टू t माइनस वन अपॉन t प्लस वन है, अगर ऐसा है तो प्रूव करना है y स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू जीरो ओके, ध्यान दीजिए ठीक है। लुक हियर, यहां पे x है हमारे पास t प्लस वन अपॉन t माइनस वन ओके, और y का वैल्यू हमारे पास है t माइनस वन अपॉन t प्लस वन। देखिए यहाँ पे हम x इक्वल्स टू लिख सकते हैं वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, रेसिप्रोकल लिया हमने इसका, और वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का वैल्यू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन रहेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा वन अपॉन y, बिकॉज टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट ओके okay? अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। इस 1 अपॉन y का जब हम डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, लुक हियर, इसका 1 अपॉन y का डेरिवेटिव लेते समय, या फिर आप इसे
इस प्रकार से लिख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, x इंटू वाई इक्वल्स टू वन। अब डिफरेंशिएट कीजिए, अब और इजी रहेगा आपके लिए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, हम x कांस्टेंट रखेंगे, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx रहेगा, प्लस y कांस्टेंट रखेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, 0। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से, यूजिंग फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है क्योंकि इसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा आगे जाके। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, x dy by dx equals to हमारे पास क्या रहेगा, माइनस y। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, y square plus dy by dx equals to 0। अब ये जो x है इसे अगर हमने सेकेंड कहा तो x का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/y। x equals to कितना है, 1/y। therefore इसे हम लिख सकते हैं 1/y, फिर dy by dx, ओके, 1/y dy by dx इक्वल्स टू कितना है, माइनस y। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड, हमने देखिए सेकंड अप्लाई किया है, ओके। अब इस y को अगर ट्रांसफर करते हैं तो dy by dx इक्वल्स टू बनेगा माइनस y स्क्वायर। इस माइनस y स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 0। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमने यहाँ से यहाँ सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव्स और पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज ना करते हुए हमने इसे प्रूव किया है। अगर डेरिवेटिव्स और पैरामेट्रिक फंक्शन ये कंसेप्ट यूज करना है तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी और इसे भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कंसिडर करेंगे और फिर उसे प्रूव करेंगे। इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यही हमें प्रूव करना था, नाउ हेंस प्रूव। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने एक्स वाई इक्वल्स टू वन लिया, आप ये कंसीडर ना करते हुए भी अगर इसे डिफरेंशिएट करते हो, एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाई को विथ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो तो और हमारे स्टेप्स बहुत ज्यादा बचेंगे। चाहे तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। देखिए मैं थोड़ा सा इसे और इजी वे में सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बहुत कम स्टेप्स यहां पे लगेंगे हमें। अगर इसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 मिलेगा, 1/y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1/y स्क्वायर dy by dx रहेगा। ध्यान दीजिए 1/(x^n) का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, माइनस n/(x^n+1) इस प्रकार से, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इस माइनस वाई स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए अगर हम इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं तो और कम स्टेप में हम इसे प्रूव कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप कौन से भी मेथड यूज कर सकते हो, या फिर चाहे तो आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसे भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी फाइन करके डी वाई बाई डी एक्स फाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये यूजिंग फर्स्ट जो है, ये यूजिंग फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट तो हमें लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। यूजिंग फर्स्ट थोड़ा सा नज़दीक लिखता हूँ मैं, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट सब क्वेश्चन फोर्थ में हमें x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t दिया है। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है dy by dx इक्वल्स टू माइनस, इसे क्यूब रूट कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x। क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x मतलब y अपॉन x का पावर 1/3 इस प्रकार से, ओके। क्यूब रूट मतलब उसका पावर 1/3। अब देखिए हमारे पास है x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, a cos क्यूब t और y इक्वल्स टू है a sin क्यूब t। अब इस a को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन a इक्वल्स टू cos क्यूब t, फिर यहां पे y अपॉन a इक्वल्स टू sin क्यूब t, ओके। अब यहां पे अगर सपोज दोनों साइड का हम क्यूब रूट लेते हैं, नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, 1/3
पावर मतलब क्यूब रूट पावर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का ये पावर लेते हैं, मतलब x अपॉन a रेस टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी रेस टू 1 अपॉन 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। उसी प्रकार से y अपॉन a रेस टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू साइन क्यूब टी रेस टू 1 अपॉन 3 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 3 कैंसिल। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x रेस टू 1 अपॉन 3 अपॉन a रेस टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू सिंपली कॉस टी। ओके, फिर उसी प्रकार से या फिर फिलहाल हम इसे इसी प्रकार से रखते हैं, ध्यान दीजिए x अपॉन a ब्रैकेट रेस टू 1 बाय 3 x अपॉन a ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन 3, तो ये रहेगा कॉस टी। अब उसी प्रकार से y अपॉन a रेस टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली साइन टी। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो क्या मिलेगा, x अपॉन a रेस टू 1 अपॉन 3 और फिर यहाँ पे होगा ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, चलेगा ठीक है। या फिर देखिए ये स्टेप्स कम करने के लिए दोनों साइड का सपोज हम पावर लेते हैं 2/3, दोनों साइड का पावर अगर 2/3 लिया तो ये यहाँ पे 2/3, फिर यहाँ पे रहेगा 2/3, हमारे स्टेप्स भी कम हो गए, फिर यहाँ 2/3, फिर यहाँ पे 2/3, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, x अपॉन a रेस टू 2/3 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। ध्यान दीजिए ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, फिर कॉस स्क्वायर टी। उसी प्रकार से y अपॉन a रेस टू 2/3, फिर यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर टी, हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का 1/3 पावर लेने के बजाय हमने दोनों साइड का पावर लिया है 2/3, टेकिंग 2/3 पावर ऑफ बोथ साइड्स इस प्रकार से। अब इसे फायदा क्या हो गया, देखिए हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन a रेस टू 2/3 प्लस y अपॉन a रेस टू 2/3 इक्वल्स टू क्या रहेगा, दोनों साइड का सम ले रहे हैं cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर टी, इस प्रकार से दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड का और दोनों साइड के राइट हैंड साइड का सम लिया हमने, तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू 1 रहेगा। इसका मतलब देखिए x रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू 1 बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब a रेस टू 2/3 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ रहेगा x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इक्वल्स टू a रेस टू 2/3, ध्यान दीजिए ओके, क्योंकि दोनों साइड में a रेस टू 2/3 दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर में a रेस टू 2/3 है, चाहे तो आप इसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिए x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 इक्वल्स टू 1, चलेगा। अब इस a रेस टू 2/3 को ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा x रेस टू 2/3 प्लस y रेस टू 2/3 इक्वल्स टू सिंपली a रेस टू 2/3। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 x रेस टू 2/3 माइनस 1, ओके 2/3 माइनस 1 मतलब कितना, माइनस 1/3, चलिए मैं इसे लिखता हूं माइनस 1/3। उसी प्रकार से यहां पे 2/3 फिर y रेस टू माइनस 1/3 और साथ में लेना है dy by dx इक्वल्स टू कांस्टेंट है a, तो उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, समझ रहे ना आप। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 x रेस टू 1/3, उसी प्रकार से 2 अपॉन 3 y रेस टू 1/3 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस dy by dx इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 y रेस टू 1/3 dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 x रेस टू 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं अब dy by dx इक्वल्स टू, ये यहाँ पे प्रोडक्ट में है, इधर डिवीजन में चला जाएगा,
तो ये रहेगा माइनस टू अपॉन थ्री एक्स रेस टू वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू अपॉन ध्यान दीजिए थ्री वाई रेस टू वन बाय थ्री, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, देयर फोर ध्यान दीजिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ओके माइनस टू अपॉन थ्री एक्स रेस टू वन बाय थ्री एज इट इज माइनस टू अपॉन थ्री एक्स रेस टू वन बाय थ्री इंटू, यहाँ पे क्या मिलेगा जिसे हम भागीले उलट गुणीले कहते हैं, तो ये यहाँ रहेगा थ्री ध्यान दीजिए y रेस टू वन बाय थ्री अपॉन यहाँ पे टू मिलेगा। अब यहाँ का टू इस टू के साथ कैंसल, यहाँ का थ्री इस थ्री के साथ कैंसल, इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस y रेस टू वन बाय थ्री अपॉन x रेस टू वन बाय थ्री, इस प्रकार से रहेगा। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन साइड में लेते हैं और y अपॉन x का पावर वन अपॉन थ्री, y अपॉन x का पावर वन अपॉन थ्री मतलब क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x पावर वन अपॉन थ्री मतलब क्यूब रूट। therefore ध्यान दीजिए therefore डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फिर ये क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, ये थ्री इंटू नहीं है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x है। देखिए ये जो रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन में यहाँ पे हमने थ्री लिखा है, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, और ये हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव, अब देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज नहीं किया है, हमने क्या किया, ये जो इक्वेशंस हमें दिए थे इन इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करके लिया, मतलब एक्सप्रेशन हमने डेवलप किया, कौन सा एक्सप्रेशन, एक्स रेस टू टू बाई थ्री प्लस वाई रेस टू टू बाई थ्री इक्वल्स टू ए रेस टू टू बाई थ्री वाला एक्सप्रेशन डेवलप किया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट किया और हमें जाना था डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स तक, तो वहां तक हम पहुंचे। ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास x इक्वल्स टू टू कॉस रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री है और y इक्वल्स टू थ्री साइन रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री वाई अपॉन टू एक्स। ओके तो चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं, x इक्वल्स टू क्या है, देखिए टू कॉस रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री ओके और y इक्वल्स टू हमारे पास है थ्री ध्यान दीजिए थ्री साइन रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री। ओके इसे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टू इक्वल्स टू कॉस रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री, उसी प्रकार से y अपॉन थ्री इक्वल्स टू साइन रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हमने स्क्वेयर रूट लिया तो देखिए ये मिलेगा स्क्वेयर रूट ऑफ x बाई टू इक्वल्स टू कॉस रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री का स्क्वेयर रूट, कॉस स्क्वेयर रहेगा कॉस स्क्वेयर ऑफ टी प्लस थ्री, स्क्वेयर रूट लेना है मतलब उसका पावर वन अपॉइंट टू लेना है, फोर इंटू वन अपॉइंट टू सिर्फ टू ही बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ y अपॉन थ्री इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ध्यान दीजिए साइन स्क्वेयर ऑफ t प्लस थ्री। ओके अब इन दोनों साइड का हम सम लेते हैं ध्यान दीजिए, मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ x अपॉन टू प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ y अपॉन थ्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वेयर ऑफ t प्लस थ्री प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ t प्लस थ्री। ओके देखिए कॉस स्क्वेयर ऑफ टी प्लस थ्री प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ टी प्लस थ्री इट इज वन बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, मतलब इसे हम लिख सकते हैं देखिए रूट एक्स अपॉन रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ वाई अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें वन, सिंस हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन रहता है, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया। नाउ Differentiating both sides with respect to x, तो ये रहेगा वन अपॉन रूट टू साइड में लेते हैं इंटू रूट एक्स का डेरेवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री साइड में लेते हैं
रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, फिर यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 0। ओके, अब देखिए इस टर्म को हम ट्रांसफर करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/, ध्यान दीजिए 1/ ये रहेगा रूट थ्री इंटू टू रूट वाई, रूट या फिर 2√3 इंटू रूट वाई, फिर यहां पे रहेगा डी वाई बाय डी एक्स। ओके, इक्वल्स टू इस टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा -1/, ध्यान दीजिए 2√2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो ये रहेगा 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3y डी वाई बाय डी एक्स। उसी प्रकार से -1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ सिंपली 2x। नाउ देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये अगर उधर जाता है ट्रांसफर करते राइट हैंड साइड में तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3y डिवीजन में। ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर से भागीला उलट गुनीला कंसिडर करते हैं, इट विल बी डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू -1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2x इंटू इट विल बी 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3y अपॉन कितना रहेगा 1। तो ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसल होगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बचेगा माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3y अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 3x। ओके, फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3y अपॉन माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे 2x है ना, ये क्या है 2x है सॉरी, तो माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3y अपॉन कितना है 2x, और ये हमें प्रूव करना था। देखिए डी वाई डी इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x इक्वल टू लॉग ऑफ 1+t² दिया है, y इक्वल टू 1-tan-1t दिया है। अगर ऐसा है तो हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ e^(x-1)/2। ओके, यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। देखिए एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है लॉग ऑफ 1+t². ओके, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास रहेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1+t² का डेरिवेटिव, इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ 1+t² अपॉन 1+t². यहाँ पे हमने लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 2t, इट विल बी 2t अपॉन 1+t². अब उसी प्रकार से देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1-tan-1t। ओके, 1 है या फिर t है, लेट मी टू चेक, नहीं यहाँ पे t दिया है, 1 नहीं है, t-tan-1t इस प्रकार से है। ओके, देखिए y इक्वल्स टू है t-tan-1t, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा हमें डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, टैन इनवर्स टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1/1+t². अब इस 1+t² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू रहेगा 1+t² -1/1+t². ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा t² upon 1+t². ओके, नाउ t इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर t है, अगर t पैरामीटर है तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, यहाँ पे हम dy by dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और साथ में dx by dt का,
dy by dt का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर अपॉन, देखिए टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx by dt का वैल्यू इट विल बी 2t अपॉन, ध्यान दीजिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। इसका मतलब dy by dx इक्वल्स टू ये रहेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन हम लेते हैं इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, टी स्क्वायर टी के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बचेगा टी अपॉन टू। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ डी वाई बाई एक्स फाइंड नहीं करना है, हमें क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इरेज टू एक्स माइनस वन। ओके, नाउ देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, नाउ रेजिंग टू द पावर ई, दोनों साइड में हम बेस लेते हैं ई, मतलब ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस नहीं है, मतलब बेस कितना है, ई है, यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है, इसलिए हमें सिंपली क्या मिलेगा, देखिए ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू इट विल बी वन प्लस टी स्क्वायर, ये हमें पता है। ओके, देखिए अगर a रेज टू log b टू द बेस a, मतलब यहाँ का बेस सेम है, तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा, सिर्फ रहेगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब e रेज टू x माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 इक्वल टू t मिलेगा। इसका मतलब t इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1। अब यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट, ध्यान दीजिए t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब dy by dx इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन 2। ओके, इस प्रकार से डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस प्रूव। देखिए इन प्रॉब्लम में सिर्फ हमें डी वाई बाई एक्स फाइंड नहीं करना है, डी वाई बाई एक्स जिस तरह से हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, शो करने के लिए कहा गया है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। वैसे तो डी वाई बाई एक्स टी अपॉन टू मिला था हमें, लेकिन प्रॉब्लम में इसे प्रूव करना था स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो इसलिए हमने आगे इसे सॉल्व किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेवन्थ में x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e रेज टू t दिया है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू 2t ऐसा दिया है, अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है साइन x प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, हमें क्या दिया है, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e रेज टू t, इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू e रेज टू t। ओके, देखिए इसका मतलब e रेज टू t इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन x, e रेज टू t इक्वल्स टू साइन x, चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, देखिए y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू 2t, इसका मतलब y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू t और फिर ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, e रेज टू t अगर साइन x है तो e रेज टू t ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर x रहेगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, वेरी सिंपल, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x नथिंग बट cos x। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट इज़ dy by dx, और cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सिंपली माइनस sin x, हमें क्या प्रूव करना है, sin x plus dy by dx equals to 0, therefore इसे हम लिख सकते हैं sin x plus dy by dx equals to 0, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ हेंस प्रूव, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इक्वल्स टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन शो दैट
dx अपॉन dy, ध्यान दीजिए अभी तक हमने dy अपॉन dx ऐसे लिया है, लेकिन इस प्रॉब्लम में dx अपॉन dy दिया है. dx अपॉन dy इक्वल्स टू प्रूव करना है माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर x. ओके, देखिए हमारे पास x इक्वल्स टू क्या है, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे हम फर्स्ट कहेंगे. ओके, फिर हमारे पास है y इक्वल्स टू a इंटू इन साइड द ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे कहेंगे हम सेकंड. तो इस प्रकार से x और y के वैल्यू हमारे पास है, इसे कहते हैं हम सेकंड. अब x और y दोनों भी t के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब यहाँ का पैरामीटर t है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं. ओके, देखिए x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू t. तो dx अपॉन dt, ध्यान दीजिए dx अपॉन dt इक्वल टू क्या रहेगा, क्वेश्चन रूल यूज करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू डेरेवेटिव ऑफ 2bt, इट विल बी 2b इंटू 1. उसी प्रकार से माइनस 2bt कॉन्स्टेंट इंटू डेरेवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरेवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरेवेटिव 2t, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2b है, तो 2b को चलो बाहर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस, ये 2b तो हमने बाहर लिया, तो यहाँ रहेगा माइनस 2t स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, नाउ देयरफॉर dx अपॉन dt इक्वल्स टू ये रहेगा 2b इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, सिर्फ अब इसे देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम, dx अपॉन dt इक्वल्स टू मैं इसे लिखता हूँ 2b अपॉन a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, देखिए a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. आपके समझ में आ रहा है, सिर्फ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई किया. देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हमने सेपरेट लिखा है. अब ये a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है. इसका मतलब ध्यान दीजिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2by, ओके 2by अपॉन a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. 2b ये वैल्यू y का है, 2by अपॉन a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt. नाउ हमारे पास a इक्वल्स टू है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अब इसे भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, ध्यान दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t. तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt, a कांस्टेंट है, इसको साइड में ही रखते हैं. इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करना है क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब माइनस टू टी लेना है, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट रखना है मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब सिंपली टू टी, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा. ठीक है, a इंटू दिस टर्म. नाउ देयरफॉर dy बाई dt इक्वल्स टू a एज इट इज. अब देखिए हम बाहर क्या ले सकते हैं, ये माइनस 2t है और ये भी माइनस 2t है, तो यहाँ से सपोज हमने माइनस 2t को बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस साइन हमने बाहर लिया तो प्लस रहेगा, और फिर यहाँ पे है 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. देखिए टी स्क्वायर कैंसिल होगा. ओके, अब हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इस माइनस को साइड में लेता हूँ, माइनस ट्वाइस है,
ठीक है। अब ये वन प्लस वन इट विल बी टू, तो ये रहेगा इंटू टू टी। भले ही सपोज इस टू को हमने साइड में लिया, माइनस टू को, ए यहाँ पे बचा था, फिर ये टी है और ये वन प्लस वन टू मिलेगा, टू टी अपॉन हमारे पास रहेगा वन प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसी प्रकार से डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू हम ले सकते हैं माइनस ट्वाइस ए अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, इंटू टू बी टी अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, बी नहीं, सॉरी, वन प्लस टी स्क्वायर सिंपली, क्योंकि बी यहाँ पे लिया है और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बी से मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इज टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर? टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इज एक्स। देयरफोर डी वाई बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस टू ए एक्स अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। नाउ यूजिंग, देखिए फर्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज किया है, तो माइनस टू ए एक्स अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, ये हमें डी वाई डी टी का वैल्यू मिला है। नाउ टी इज अ पैरामीटर, ध्यान दीजिए, टी इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर टी है, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, अब यहाँ पे हमें डी एक्स अपॉन डी वाई लेना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी। तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, देखिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू रहेगा टू बी वाई अपॉन ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी टी का वैल्यू माइनस टू ए एक्स अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, देखिए क्या लिख सकते हैं, टू बी वाई अपॉन ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर इंटू, जिसे हम भागीले उलट गुणीले कहते हैं, इंटू क्या मिलेगा, बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा, माइनस टू ए एक्स। तो यहाँ का वन प्लस टी स्क्वायर इस वन प्लस टी स्क्वायर के साथ कैंसल, यहाँ का प्लस टू इस टू के साथ कैंसल, तो हमारे पास जो बचा है उसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये बी वाई इंटू बी मतलब बी स्क्वायर वाई, ओके, बी स्क्वायर वाई अपॉन ए इंटू माइनस ए एक्स मतलब माइनस ए स्क्वायर एक्स, चाहे तो माइनस साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, और यही हमें प्रूव करना था, ओके, इसे लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड, यहीं तक हमें पहुंचना था, यही हमें प्रूव करना था, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।